नमस्ते फनाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार आज मैं लेकर आया हूँ माडोगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। तो इस नाटक में देखेंगे कि माडोगढ़ में लड़ाई कैसे होता है, उर्फ बाप का बदला कैसे लिया जाता है। तो इस नाटक के प्रूफ राइटर है ललित कुमार, जिनका घर पड़ता है बांकीपुर मछरियामा जिला पटना। तो लीजिए, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है भाग पहला। अब लगल का हरियाल दलाल तब हवा भाला लगल रे, भगवान की भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है। भाई दल, आज तुमने इस राज के चेहरे पर बहुत सुंदर बात सोचे हो, जो कि आज तक राज महाप्यादों के चेहरे पर कभी भगवान को भजन नहीं हुआ। हाँ भाई उदय, चल चल ईश्वर, आज हम लोग जितना महाप्या के नौजवान हो, सारा नौजवान एक साथ मिलकर के भगवान को पूजा पाठ कर लेते तो बहुत सुख की बात होता। हाँ भैया जी, भाई देवा, भाई दल, भाई देवा, आज सब बापूत मिलकर राज महाप्या बंगले पर भगवान की भजन कर लेता तो बहुत खुशी की बात होता। ठीक है भाई दल, चचा श्री, बहुत खुशी की बात तुमने सुनाया कि महुआ वाले लोग बैठे रहता है जब तक बंगला पर भजन भाव नहीं होता है क्षत्रियो लोग के, तो क्षत्रियो के धर्म ठीक नहीं होता है और उमंग आगे को। सही बात चाचा श्री। बहादुर जी मालिक, राज महापे बंगले पर सभी बापू तो मिल करे भगवान के भजन कर लो तो बहुत खुशी की बात होगा। बहादुर जय। हाँ बहादुर, बढ़िया वाले ले ला, सुरन में शामिल रहना होगा। ठीक है, शामिल रहो। ठीक है बहादुर। बस मर कर ला जी भैया।
सब स्मर करला भैया जी आदि देवी दुर्गा के क्या ये गिलास रहता रे? हे मालिक जी, गाइते गाइते ना कांठवा सूख गए, एकरे बदरे एक गिलास पानी रहता है। ओ एने कहो रे बहादुर, ए बतलाओ के हम लोग जितना हम लोग सभी भाई मिलकर के सुमरन किए, ए बता तुम्हें भजन भाव कैसा लगा? भगवान का नाम ले लो जे। हाँ अच्छा लग लो। अच्छा लगा ना? ता तू सुमरन किया? हमें हाँ ना ना नहीं किया है। तू कब चिका लू? इधर इधर इया ऐसे। अरे हमारा भाई उदयचंद पहले बोला है कि द्वारपाल हम लोग जितना मोहब्बिया के नौजवान हैं, हाँ सभी मिलकर के एक साथ होकर के राज बंगले पर पूजा पाठ करना है बहादुर। तो हमारा कहल कि तू शामिल रहना। शामिल के मतलब क्या होते हैं? हमारा ना कहल कि तू भगवान के नाम से नाल मूर्ख कहीं का भगवान को नाम लेने में तुम इतना पाछे रहते हो। अगर भोजन करने की बात आ जाएगा तो पूछो नहीं करेगा जाकर। सुनो तुम्हारी ऐसा 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 आदमी को कहा गया है मानुष मानुष सब कहे मानुष में कछु भेद, मानुष मानुष सब कहे मानुष में कछु भेद। कोई मानुष होते हैं देवता और कोई मानुष होते हैं प्रेत। आइए जी वही जी जिनकी हम हो जी देवता ही होई तुम्हें जय प्रेत। बालन तुम्हारी ऐसा आदमी प्रेत बनेगा जे। हाँ कैसे कैसे बालन? सुनो सुनो तुम्हारी ऐसा हनुमान जी, तुम्हारी ऐसा हनुमान जी बांदर की तरह चौन भर करते थे, समझ गया? हाँ हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ जी। बोलिए मालिक, आज वही बांदर के देखो, वही बांदर के देखो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिल में बसाने से, पूजा पाठ करने से आज वही बांदर के देखो बहादुर। देश देश विदेश में देखो बदरंग वाली बन के पूजा रहे हैं जे। हां हमू नाम लेबे त हमू पूजा ही लगबाय। अरे बदमाश, अरे मुझे कहीं का पागल, तेने भगवान को नाम लिया नहीं अब पूजाने के लिए तैयार हो गया? हां बहादुर, अगर तुम सही दिल से नाम लोगे, सही दिल से पूजा पाठ करेगा,
शरीर के अंदर कितना दुख और तकलीफ रहेगा वो सारा बहादुर भगवान के नाम ले से हमारा भगवान से और से लड़ाई चल रहा है क्या चलता है बचपने से लड़ाई झगड़ा खानदानी है मूर्ख एकदम मूर्ख है भाई पागल कहीं का जो भगवान जी से झगड़ा करेगा विरोध करेगा जो संसार में विरोध करेगा वो भगवान जी से कभी पार नहीं पाएगा बहादुर पार सुनना अगला पक्का पक्की फाइटा फाइटी चुप रहो आई बात जाइयो बदमाश कहीं का झगड़ा हमारा कहे के जाना हो मालिक किस बात का झगड़ा है ये जे पहली बार हमार दादा नाम लेलखु ना अच्छा भगवान जी से बोला बोली हो गला बोला आ वही जे बोला बोली होली ना तो भगवान के नाम ले लेलखिन हमार दादा बा हमार दादा भगवान के नाम लेलखिन ना बिहने पर लेलखिन दुपहरी में उनका ले लेलखिन क्या सुबह में नाम लिए आओ दोपहर को समय में आपको दादाजी इस दुनिया छोड़ दिए चल गेलखिन अच्छा आओ रे जे फिनोकर बाद है जे हमार मामा नाम लेलखिन भगवान के बोलो तो हमार मामू के ले लेलखिन अरे क्या ले दिए यानी मार गेलखिन साफा क्यों नहीं बोलता है बहुत तुम्हार मारे मतलब मार गेलखिन मालिक हमार मामू है जे तो ऐसे ना बोलो पागल तभी चल गए वो हूँ चल गए फिर क्या हुआ फिर हम सोचा ली ना क्या अब हम भगवान के नाम ना ले दी अब सोचा ली कि अगर हमें अगर ये दादो के लेके चल गए अगर मम्मो के लेके चल गए अगर कहीं हम नाम ले लिया है तो हो सके कि हमरे में हाथ लगा दी किता इसका मतलब है कि तू सही दिल से भगवान को पूजा पाठ नहीं करते हो एक बार तू भगवान को सही दिल से पूजा पाठ करके देखो तुम्हारे शरीर में महत्व कितना उमंग आता है जे ले ली था ले लो ठीक है बता था बताओ भाई बैठा जाओ जाओ ये बतला रहे मूर्ख नहीं कहा हम लोगों आज तक इसी राज महाप्या में जन्म लिया तो आज सबसे पहले बार इस राज बंगले पर प्रभु का नाम लिया हूं ये बतलाओ कितने कौन देवता के नाम लिया मोटर पीटर में कौन देवता बस करते हैं मोटर पीटर में हाँ देवता ना बस करते हैं अरे बताएगा ना बदमाश मोटर पीटर में देखा मौली जैसे कि हमने खेत पटावे जाऊ ना अच्छा तो अपन मोटर या पीटर लेकर के जाऊ और जा करके वहां पर चालू कर रहू तो चालू ना होबा है तो कौच कर रहू बिहने के गेल गेल दोपहर हो जा है परेशान परेशान हो जा अच्छा फिर बाद में कहो कि कैसे चालू होतै हे विश्वकर्मा भगवान अगर तू चालू हो जाए ना
सांझ के तोरा ला करके एक किलो किलो प्याड़ा चढ़ा दो। अच्छा जैसे हैंडल मारली डाल के जैसे हैंडल मारली यानी मोटर पिटर में बाबा विश्वकर्मा बास करते हैं। बास करा मोटर पिटर ना रहता हाल तो ना होता धान ना होता गेहूं ना होता आलू ना होता प्याज तो खाता तो हमने बाबा विश्वकर्मा माने जी। सही में मोटर पिटर में या हर लोहे में बाबा विश्वकर्मा बास करते हैं। सुथनी कौन ऐसा चीज को कहा जाता है रे मूर्ख आए सुथनी कौन ऐसा चीज को कहा जाता है तो रूस बोले सुथानी है ला बहुत मार मारेंगे सुथनी जानो मालिक सुथनी एक फल होता है। सुथनी एक फल होता है फल होता है ये बताओ कहाँ बसता है वो इधर ना बजा को कहाँ बसता है गंगा जी के ऊपर टिडियर में। अच्छे बताओ को सुथनी कौन काम में वो काम आता है जे हाँ वो सुथनी जानते हैं मालिक जेठान एक ऐसा पर्व है जेठान एक पर्व है। हाँ अच्छा उसी में हर घर जिला जेवार में हमारे माँ या आपका किसी को भी माँ बहन उसी सुथनी और गुड़ को फलहार करते हैं। बाबू तुम्हें कहना है कि महाराज देश देश में विदेश में सभी को घर में माँ बहन एक जिठान व्रत होता है उस व्रत को रखते हैं और वह सुथनी और गुड़ वह जो पूज करके आते हैं तो ही सुथनी और गुड़ को फलहार करते हैं। ऐसे ना बोलना चाहिए हमरा आओ लगो क्या लगो हमरा मान लगो हम आओ लगो भगवान के नाम भगवान के नाम आओ लगा ठीक है एक बार आओ लगो ले लो आज सुमरण कर ला मालिक जी आज हंसुआ आज सुमरण कर ला जी मालिक आज हंसुआ ये बताओ तूने अभी मोटर पिटर के सुमरण ने क्या समझाया तो मैंने माना कि बाबा विश्वकर्मा है। ये हसवर खुरपी में कौन देता है ए माली तू समझा ना पूजा धर के कब का पौधे है कौन भगवान बात करते हैं रे चलो बताओ ओकरा में ई जे ले लो ऊ जे कौची के है मेरा सर हाँ लोहा का है लोहा के हाँ तेरा कौन भगवान बास कर रखे बाबा विश्वकर्मा बास करते हैं ओरा में हाँ ओकरा विश्वकर्मा भगवान बास कर रखे हाँ जे ये हमार हमार ये हमारे जे कौची है फालसा ये कौची क्या मालिक जी ये भी लोहा का है लोहा के हाँ तेरा भूत बास कर रखे वो हाँसुबा कौची के लोहे के ना है तो चाहे तो छोटा रहे या बड़ा रहे सामने विश्वकर्मा भगवान बास कर रखे बहादुर तुम्हें कहना बिल्कुल सत्य है लोहा छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी में बाबा विश्वकर्मा बास करते हैं। चाबास बहादुर चाबास बेटा चाबास बेटा आगे माई
गुलाम से तुम्हें बेटा कहा, तू किसको बेटा कह रहे? अपने के किसको कहा? बहुत मार मारेंगे अपने के। अरे माय, बैठ जाओ भाई। सरदार जी भाई राजन, ये राज भाभा हम लोग का बंगला आज पहला दिन है। मैं आज अपने भाई देवा से कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ भैया जी। क्या भाई देवा से कुछ प्रश्न करने के लिए चाहते हो? हाँ भाई सरदार, ठीक है। हम लोग राज कचहरी पर बैठ जाते हैं, जो भी तुम्हें पूछना है ये पूछो। अगर तुम्हें सवाल का जवाब नहीं देगा तो हम लोग महाभिया समझ जाएंगे कि मेरे भाई देवा चुप नहीं। हाँ भैया जी, चलिए आप अगले पर बैठिए।